नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर कस्बे के श्रीराम पब्लिक स्कूल में रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड मीरापुर के द्वारा कस्बे के श्रीराम पब्लिक स्कूल में बृहस्पतिवार की रात से रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले पंडित अनिल शास्त्री ने आरती कराकर शुभारंभ कराया। इसके बाद रामलीला मंचन का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना व इंस्पेक्टर मीरापुर रविंद्र सिंह यादव के द्वारा फीता काटकर और आरती के साथ किया गया। पूर्व चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री राम भारत की आत्मा है और प्रत्येक हिंदू के दिल में बसते हैं। आज के लोग भगवान राम के आदर्शों से विमुख होते जा रहे हैं, इस कारण समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री राम के आदर्श जीवन को लोग अपनी जीवन शैली से जोड़े तो समाज में सुख तथा शांति कायम हो जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष दीपक गोयल ने कहा कि इस बार कुछ बंधनों के दायरे में रहकर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला कमेटी सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा सभी का ध्यान में रखकर कार्य करेगी। रामलीला कमेटी के द्वारा मुख्य अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। गणेश वंदना के बाद शिव पार्वती संवाद, नारद महोबे, रावण जन्म की लीलाओं का मंचन मथुरा से बधारे कलाकारों के द्वारा पवनदेव चतुर्वेदी के निर्देशन में किया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष दीपक गोयल, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राहुल शर्मा, रोहित माहेश्वरी, गौरव भटनागर, अनिरुद्ध गोयल, देवेंद्र चौधरी, सुभाष पार्थ, वासु गोयल, संजीव राठी आदि लोग मौजूद रहे। पूरे मीरापुर के सम्मानित लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाकर के सम्मान दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद का पात्र हूँ और मैं सबका सम्मान करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और भगवान श्री राम की लीला सिर्फ हम लोग यहाँ इसलिए करा रहे हैं या हमारे देश में होती है कि उनके आदर्शों का, उनके आचरणों को हम अपने जीवन में। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।